समय की ये बात है कि जिस समय, क्योंकि कौरव और पांडव के बीच में युद्ध की तैयारी हो गई, श्री कृष्ण जी को एक भय सता रहा था, क्या कि कौरव सेना के अंदर एक योद्धा ऐसा है कि अगर वो चाहे तो एक ही दिन के युद्ध में पांचों पांडवों को मार सकता है। कौन? वो भी कुंती का पुत्र कर्ण है, लेकिन उस कर्ण को इस बात का भेद मालूम नहीं है कि ये पांच पांडव उसके बाजा है, उसके छोटे भाई हैं। तो साथियों, श्री कृष्ण जी कुंती के पास में पहुंचे और जाकर के कहा कि गंधारी की जीत हो कुंती, गंधारी की जीत हो कुंती, हार का तेरा वरण बन जा, उन कैरों की सेना का जब सेनापति कर्ण बन जा, अगर वो कर्ण सेनापति बनकर के युद्ध भूमि के अंदर आ गया तो तेरे पांचों बेटों में से किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। जिस माँ को ये पता चल जाएगी तेरे पांच बेटों के प्राण संकट में हैं, तो अपने बेटों के प्राण बचाने के लिए माँ क्या नहीं करती, हाथ जोड़ करके पूछने लगती, रे कृष्ण मेरे बेटों की जान बचने की कोई तो योजना, कोई तो तरकीब होगी, कोई तो विधि होगी। श्री कृष्ण जी बताते कि हाँ, एक उपाय है, एक तरह से तेरे पांचों बेटे बच सकते हैं। कैसे? कि पांच पांडव और कृष्ण की जो तू जिंदगी चाहे उस कर्णबली के पास चली जा, मत ना देर लगा। साथियों, पांच बेटों के प्राण बचाने के लिए कुंती चलती और कर्ण के शिविर के नजदीक में पहुंची, दूर से देखा कर्ण को, तो आज पिछली बात याद आई, वो पिछली बात याद आई जब होगी त्यार मरण को, और छाती में धड़का ला गया, दिल रोया देख कर्ण को। कर्ण को देखते ही कुंती की आंखों में आंसू भर आए कि ये बेटा मेरा, जन्म मैंने इसने दिया, मैंने इसे दिया है, लेकिन मैं ऐसी अभागण माँ हूं कि मैं इसका कोई लाड़ प्यार ना कर पाई, और आज आई हूं तो अपने मतलब के कारण आई हूं। आगे बढ़ती है और जब देखा करने कि पांच पांडवों की माता राज माता कुंती आई है, तो हाथ जोड़ करके खड़े होते हैं। अगर अनुमति हो तो दीपा चौधरी जी, उनके द्वारा इसमें कुंती का संवाद भी करवा देते हैं। जी हाँ, कुंती का पाठ भी अदा करवा देते। एक बार ताली बजा करके दीपा चौधरी का भी सम्मान बढ़ा दे। कैसे भला? हे राजमाता, कहिए बेटा करण। आप और इस करण के शिविर पर, और वो भी पैदल चल करके आई हो। हाँ। आपके चेहरे पर उदासी दिखाई दे रही है, आपके उदास होने का कारण जान सकता हूँ? आपके चेहरे पर उदासी, आपकी आंखों में आंसू, आखिर ऐसा क्यों? आज से पहले मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आई, और आज अगर आई हूँ तो किसी कारण से आई हूँ बेटा। कारण? हाँ। हे राजमाता, ऐसा क्या कारण हो गया कि जिसकी वजह से तुम्हें चल करके मेरे पास में आना पड़ा? एक राज बताने के लिए आई हूँ, और राज ये है कि तुम कोई गैर नहीं बल्कि मेरे बेटे हो। तुम्हारा बेटा? हाँ। मैं और तुम्हारा बेटा? हाँ, तुम। माइक उठाइए और उठाइए। मैं और तुम्हारा बेटा? हाँ बेटा। नहीं, मैं पांचों पांडवों के साथ साथ तुम्हारी भी माँ लगती हूँ, तुम भी मेरे बेटे हो। हे राजमाता, कह दो कि ये झूठ है। काश ये झूठ होता, लेकिन ये सच है। लेकिन तुम मेरी माँ नहीं हो सकती। अगर तुम मेरी माँ होती तो उस दिन क्यों ना बड़ी माँ, उस दिन क्यों ना बड़ी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे, सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, और शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। आज उस दुर्योधन को मेरी जरूरत है, तो तुम ये हवाला लेकर के मेरे पास में आई हो। तुम मुझसे झूठ कह रही हो कि तुम मेरी माँ हो और पांडव मेरे भाई हैं। मैं झूठ नहीं कह रही हूँ बेटा। आज तेरे पांचों भाइयों को तुम्हारी जरूरत है, और मैं तुम्हें ये समझाने के लिए आई हूँ कि उस दुर्योधन का साथ छोड़ो और अपने भाइयों का साथ दो। हे राजमाता, ये करण अपने शरीर से सांस तो छोड़ सकता है, लेकिन कभी भी अपने मित्र दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा बेटा। ये बिल्कुल नहीं हो सकता। इससे अगर अलग कोई आपका प्रश्न है तो बताइए। अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते, तो मैंने
ये सुना है कि सूर्य निकलने से पहले जो भी तुम्हारे पास आता है और जो भी कुछ मांगता है तुम उसको वो ही दे देते हो। हे राजमाता, अगर दान की अपेक्षा से आप चल करके मेरे पास में आई हो तो कह दीजिए, जो भी आप कहोगी मेरे पास में जो मौजूद होगा मैं कोशिश करूंगा कि मैं पांच पांडवों की माता राजमाता को निराश नहीं भेजूंगा। मैं यहाँ पे तुमसे कुछ मांगने नहीं आई थी, मैं तो तुम्हें समझाने आई थी कि वो दुर्योधन तुम्हारा भाई नहीं बल्कि वे पांचों पांडव तुम्हारे सगे भाई हैं, माचाए भाई हैं। तुम्हें उन पांचों पांडवों का साथ देना चाहिए, लेकिन तुमने साफ साफ शब्दों में कहा मेरी बात सुनोगे लेकिन दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे। तेरे से तेरे बेटों से मेरी क्या जग में सुनाई। दुर्योधन है कुटुंब कारण का, तू बाप समझ चाहे भाई, मेरा कुछ भी समझ लो, मेरा कोई है तो केवल दुर्योधन है। तो तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे? कदापि नहीं। अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ोगे तो बेटा झोली फैलाकर आज एक माँ तुम्हारे सामने खड़ी है और भीख मांगती है कि लाओ जो गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण तुम्हारे पास है उन बाणों को मेरी झोली में डाल दो बेटा और मेरे पांच बेटों की जान बख्श दे, और इसके सिवा कुछ नहीं मांगती। हे राजमाता, तुम कैसी माँ हो? अभी तो मुझसे कह रही थी कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। हाँ। और तुमने पांच बाणों के लिए झोली फैलाई है। साथियों, कर्ण ने देर नहीं की, वो पांचों बाण महारानी कुंती को दे दिए और उन पांच बाणों को लेकर के भी चल दी, लेकिन पांच कदम भी नहीं रख पाई। माँ के हृदय में बेचैनी हो गई, क्यों कि तू आज इतने दिन के बाद में तो आकर के कर्ण से मिली है और ये कर्ण तुझे बार बार राजमाता कुंती महारानी कुंती कहकर के पुकार रहा है। हे राजमाता। हाँ बेटा करण। पांच बाण मैंने आपको दे दी है, पांच बाणों को लेकर जा रही थी लेकिन फिर वापस मुड़ कर आई हूँ। हाँ। क्यों? चाहे इन बाणों को वापस ले ले, बस बस एक बार अपने मुख से मुझे माँ कह दे बेटा। मेरे ये कान तेरे मुंह से माँ शब्द सुनने के लिए तरस रहे हैं, एक बार मुझे माँ कह दे। ये राजमाता, मैं कैसे तुम्हें माँ कह दूं? मेरा मन विश्वास नहीं करता कि जिसने राजमाता माद्री के दो बेटे नकुल और सहदेव उनको अपने सगे बेटों से ज्यादा लाड़ प्यार देकर के पाल पोस करके बड़ा किया हो, वो माँ अपनी कोख से जन्मी हुई संतान को अपने आप से कैसे अलग कर सकती है? इसलिए तुम मेरी माँ नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैंने ही तुम्हें अपनी कोख से जन्म दिया है, लेकिन कुछ मजबूरी के कारण मैं तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाई। मजबूरी? हाँ। ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि जिसने एक माँ और बेटे को अलग कर दिया? सुनना चाहते हो? जानना चाहता हूँ। तो सुनिए मेरी बात।
सेवा कर दुर्वासा ते मारा।